इसरो ने हासिल की है एक बड़ी कामयाबी। वो मिशन जो अब तक का सबसे लंबा और मुश्किल मिशन बताया जा रहा था, अब वो इसरो के खाते में कामयाबी के तौर पर दर्ज हो चुका है। कल सुबह पीएसएलवी C-35 की उड़ान के साथ ही 125 करोड़ भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। आप भी देखिए कि सवा दो घंटे में कैसे दिखा हिंदुस्तान का दम। इसरो का सबसे बड़ा मिशन, पीएसएलवी C-35 का सबसे लंबा सफर। खुलेंगे महासागर की गहराइयों के नए राज। मौसम से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी। ये अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान है। पीएसएलवी C-35 लॉन्च के साथ ही इसरो ने अब तक के सबसे लंबे मिशन को अंजाम दिया। पीएसएलवी ने 8 सैटेलाइट्स को दो अलग अलग ऑर्बिट में रिकॉर्ड 2.25 घंटे में पहुंचा दिया और दुनिया को हिंदुस्तान का दम एक बार फिर दिखा दिया। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बधाई दी। लेट मी बिगिन बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर सक्सेसफुली अंडरटेकिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट चैलेंजिंग सैटेलाइट लॉन्चेस। As many as 8 satellites have been launched in 2 different orbits in a single PSLV-5. इस मिशन में सबसे अहम सैटेलाइट भारत का SCAT-SAT-1 है। ये मौसम और समुद्र के अंदर होने वाली हर हलचल यानी साइक्लोन और तूफान पर नजर रखेगा और अहम जानकारी भेजेगा। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया के 5 सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। Today we have seen a launch from PSLV where we have been able to put different satellites from different countries and our own SCAT-SAT being put into different orbits, different local times, and this is one of the new capability which PSLV has demonstrated. Sapna to IIT Mumbai ke 30 chhatron ka bhi pura hua hai. IIT मुंबई के स्टूडेंट्स को अपने सैटेलाइट प्रथम को बनाने में 8 साल का लंबा वक्त लगा। इसका मकसद स्पेस में इलेक्ट्रॉन काउंट का अनुमान लगाना है। अब कामयाबी बड़ी है तो जश्न लाजमी है। IIT मुंबई के छात्रों के बनाए सैटेलाइट के साथ साथ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के छात्रों का बनाया पिसार भी अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है। इसरो की ये बड़ी कामयाबी नई मंजिलों की तरफ इशारा कर रही है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन न सिर्फ सबसे लंबा था बल्कि सबसे मुश्किल भी था। इसरो ने 8 सैटेलाइट को 2 घंटे 15 मिनट में 2 अलग अलग ऑर्बिट में पहुंचाया। इन 8 सैटेलाइट में भारत के 3 और अमेरिका, कनाडा, अल्जीरिया के 5 सैटेलाइट भेजे गए थे। इनमें भारत का एम सैटेलाइट SCAT-SAT-1 शामिल था। SCAT-SAT-1 से मिलेगा मौसम, समुद्र के अंदर की अहम जानकारियां हासिल की जा सकेंगी। वहीं IIT मुंबई के सैटेलाइट प्रथम की लॉन्चिंग भी हुई है। प्रथम से मिलेगा वायुमंडल के बाहरी परत का डेटा। वहीं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट PSAT भी लॉन्च हुई है। PSAT पृथ्वी से जुड़ी अहम जानकारी देगा। इसके साथ ही इसरो ने सफल प्रक्षेपण किया है और 8 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। सवाल आपके मन में भी होगा कि इससे हमें क्या फायदा मिलेगा और इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किसानों को कैसे फायदा होगा ये बताते हैं। समय पर मौसम की जानकारी मिलेगी जिससे किसानों को फायदा होगा। खराब मौसम की जानकारी मिलने पर किसान नुकसान से बच सकेंगे। समय पर जानकारी होने से अपने कृषि कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। खेत में खड़ी फसल का रखरखाव ठीक तरह से कर सकेंगे। इससे किसानों की हालत भी सुधरेगी।
उत्पादन में भी वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसका सीधा फायदा आपके किचन पर पहुंचेगा, यानी होम मेकर को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। किसानों के उत्पादन में वृद्धि होगी तो हर घर को फायदा होगा। उत्पादन अच्छा होने से महंगाई घटेगी। प्रोफेशनल्स को भी इसरो के इस मिशन से फायदा होने वाला है। हमारे देश में मानसून पर करीब सभी क्षेत्रों का विकास निर्भर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कामकाजी लोगों को भी मौसम की भविष्यवाणी का फायदा होगा।